नमस्कार, राम राम, आदाब। सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर डेरा सच्चा सौदा के नाम चर्चा घर में। डेरा सच्चा सौदा के नाम चर्चा घर में आज बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ की साध संगत का कहना है कि अब इस महीने में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुरु गद्दी दिवस महीना उनका मनाया जाता है। 23 सितंबर को गुरु गद्दी दिवस दिन होता है। इस उपलक्ष में आज जिला स्तरीय नामचर्चा का आयोजन डेरा सच्चा सौदा के कुरुक्षेत्र के नामचर्चा घर में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजावट यहां की गई है और ये एंट्री द्वार यहां बनाया गया है डेरा सच्चा सौदा के नामचर्चा घर का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहां सजावट की गई है। अरबार गया तो लेसाड़ा के पास कुर्सी पर बैठ गया। तो लेसाड़ा बोला, भाई साहब कुरुक्षेत्र के नामचर्चा घर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां हजारों की संख्या में साध संगत डेरा सच्चा सौदा की पहुंची है। डेरा जो प्रबंधक यहां कमेटी है उनका कहना है कि आज ये नामचर्चा जिला स्तरीय नामचर्चा का आयोजन इस नामचर्चा घर में किया जा रहा है और इस नामचर्चा में आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में साध संगत यहाँ पहुँची है। जो आज बैंड भाई डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो, कई बैंड भाई ना पाठ में बढ़ जाते हैं। सोचकर देखो ना, पिताजी ने नाम देने के बाद, नाम देने से पहले हम देवी देवताओं को मानते थे। किसी देवी देवता का नाम दान करियो, आंखें दान करियो, बुद्धि दान करियो, इतना की फूक दिया हमने जोतला लगे। इतनी बड़ी बेटा ये किसी गरीब को दे दो ना, क्यों बाड़ा उसे। सतगुरु ने निकाला ना पाठ से, और मालिक के तरह जो समय पिताजी ने वचन करे, दीदी मिलने के लिए गई थी ना, पिताजी ने वचन करे जाके हमारी साथ संगत को बोल देना 100% नहीं, 1000% नहीं, 100% का विश्वास रखना, 1,00,000% का। उसने तब ये नहीं सोचा कि ये आएंगे, दो साल में आएंगे, एक साल में आएंगे। वो हर रोज सोचते थे क्या जाएंगे, मेरा माँ जाएंगे, मेरा सास सजी बहुत जल्दी आएंगे, कितने दिनों से बेटा भी बीच में इंतजार कर रहा होगा। पर अभी वही सह थोड़ी और रोने रोना मिट्टी जल्दी कब होती है, ये हमारी वही का फिल्मों में भी तजे सब सोच लिखा है। वचन कर रखे बेटा प्रेमियों ने दूर तक पहचाना करेंगे लोग, अभी तो तुम्हारे को पता है ये भगवान है, सारी दुनिया ने पता लगने वाला है। वो मेरे कॉलेज के दोस्त 10-15 पीछे से होया ना भाई, डेरे वाला बाबा बाहर आएगा, वो मेरे से पूछने लगे, बोले बाबा कब आएगा बाहर, मगर क्या करोगे। बोले यार बाबा ने देख कर जरूर आओगे, कैसा हो रहा बाबा, डेरे में देख कर जरूर आएंगे बाबा को। सारी दुनिया ना पिताजी को देखने के लिए आएगी, लेंदा झुकेगा, चढ़दा झुकेगा, झुकेगी दुनिया सारी, सारी दुनिया यहाँ झुकेगी जो वचन कर रखी है। और डेरे वाला बाबा बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई। सास सिंह जी पिताजी डेरे में थे ना, जब 23-23 घंटे सेवा में बिजी रहते थे, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते थे पिताजी। अब पिताजी ने वर्चस्व कर करके रेस मार मार के शरीर इतना फिट बना दिया, बड़ी बार आ गए जब लोग ये कहेंगे बेशक की उम्र 52 साल की होगी, ऊपर बाबा लागे 18 साल का हो गया, 18 साल का। और वाकई असलियत है ये, साध सिंह जी आज जो भी बहन भाई चल के आए ना, एक तो सिमरन के बारे में पूरा ख्याल करना है। ये जो सिमरन की रिपोर्ट आप देते हैं ना, ये पिताजी के पास हाजिरी होती है और सेवा
आज सेवा नहीं करोगे फिर कब करोगे? अब तो पिताजी ये देख रहे हैं कैसे जिम्मेवारी कौन कौन समझ रहे हैं। अरे सुख मतलब दुनिया साथ दिया गया पता तो तुम चला है अपने घर का कौन कौन ख्याल रखेंगे? कोई भी सेवा की है ना सारे पर चल के जाओगे सेवा में बहुत ही सारे हाथ खड़े कर रहे हैं पिताजी। और जो सतगुरु का संदेश आता है जो इन दीदी और नटेरा संभाल है सारे बहन भाई इनका साथ दोगे आपके भी सारे साथ देंगे। और बाकी साथ संगत जी ये भी फिल्म बन रही है यहाँ पे क्योंकि जो डेरा सच्चा सौदा है ना वो अपना असली घर है और इससे प्यारा कुछ नहीं है। बलगढ़ डेरे में पिताजी की फोटो लाग रही है सरदार जी की ड्रेस में गाड़ी के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवा रखी है ना पिताजी पगड़ी पहन रहे हैं लाल शर्ट पहन रहे किस किस ने देखी है वो फोटो सारा ने देखी है वो कुल मबल हमारा गुरु जी जिसे मर्जी कपड़े पहन ले शादी के गजनों बटे हुआ रहे इतना सोना सतगुरु किसी को नहीं मिला आज अरे इतना प्यारा घर किसी को नहीं मिला क्योंकि सच्चा सौदा तारा यकीन दा साढ़े दिल दा चैन सहारा है जिंदे वारी लगे दा प्यारा है जाते लगे दा सच्चा सौदा के आप नाम चर्चा घर में आज पहुंचे हैं। आज जिले का यहाँ सत्संग था उस सत्संग में हम भी थोड़ा सा भगवान का नाम लेने के लिए पहुंचे। अच्छा कोई और विशेष? ना कोई विशेष नहीं मैं तो हमेशा इस प्रकार के आयोजन कोई भी धार्मिक जगह पे होते हैं वहाँ पे जाता हूँ प्रभु का आशीर्वाद मांगता हूँ। तो चुनाव जैसे नज़दीक है काफ़ी तो आपने यहाँ से कुछ ऐसा किया है कि जैसे इन्होंने 2014 में 9 में या 5 में पहले भी समर्थन कहीं ना कहीं किया है तो आज कोई ऐसी बातचीत की है? मैं तो यहाँ पर सत्संग में आया था सत्संग में प्रभु का आशीर्वाद लिया प्रभु क्योंकि सीधा नहीं आता सात संगत के बीच में से आता है तो सात संगत का आशीर्वाद मिल गया है तो मैं तो यही ठीक मानता हूँ उसी से ज़्यादा।